हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे दोस्तों गुड मॉर्निंग तो यहाँ सुबह का समय है और मैं चाय चढ़ा दी हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं घर में क्या क्या काम करती हूँ देखिए दोस्तों यहाँ सुबह उठ के सबसे पहले यहाँ चाय चढ़ा दिए और सब जब तक चाय उबल रहा है तब तक इधर हम सब्जी कट कर ले रहे हैं क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑफिस है तो उनके लिए नाश्ता बना ले रही हूँ यहाँ हम आज बनाएंगे बीन्स का भुजिया तो बीन्स यहाँ कट कर रहे हैं दोस्तों जब तक भुजिया कट कर रहे हैं चाय बनकर तैयार हो रहा है उधर इधर जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट बीन्स कट कर रहे हैं और बीन्स को काटने में आप लोगों को पता है सुबह सुबह बीन्स कट करो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है तो जब तक चाय बन गया इधर हम चाय छान रहे हैं एक कप में दो कप में चाय छान रहे हैं एक कप अपने लिए छान रहे हैं और एक कप मेरी जेठानी के लिए चाय छान रहे हैं दोस्तों ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि चाय ना पियो तो लगता है सुबह सुबह जैसे एनर्जी ही नहीं मिल पा रहा है हमारे डेली के रूटीन में चाय जरूर शामिल होता है चाय के साथ यहाँ हम नमकीन बिस्किट भी खा रहे हैं और फिर यहाँ पे हमारा बीन्स सारा कट हो गया है दोस्तों बीन्स कट कर लेंगे और उसके बाद इसे हम अच्छी छलनी वाले बर्तन में बीन्स को अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसमें पानी पार होने में आसानी होता है और अच्छे से धुल भी जाते हैं तो यहाँ देखिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और फिर बीन्स थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा पचफूरन दे के उसको बीन्स को फ्राई कर लेंगे जब तक बीन्स इधर फ्राई हो रहा है उसको अच्छे से मिला लेंगे तब तक हम इधर किचन को सोच रहे सीट लेते हैं तो अच्छे से यहाँ सफाई करने लगे बीन्स को जो काटे थे उसका छिलका यहाँ पे सबको उस डस्टबिन में डाल के उसके बाद हाथ धो लिया और इधर किचन सिलाब की सफाई कर ले रहे हैं तब तक इधर भूजा भी बन जाएगा और मेरा किचन का सफाई भी हो जाएगा तो इधर हम सफाई कर रहे हैं दोस्तों अब मैं फटाफट से सफ़ाई करके फिर एक बार बीन्स को चलाऊंगी फिर सफाई करूंगी ऐसे करके जल्दी जल्दी सुबह का सुबह सारे काम में बहुत हड़बड़ी हो जाती है दोस्तों क्योंकि सुबह सुबह अभी मौसम इतना ठंडा हो रखा है देखिए यहाँ मौसम का यहाँ देखिए मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि मतलब चारों तरफ पाँच दिन हो गए अभी तक धूप नहीं निकला है और रात और कल रात तो बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी देखिए यहाँ पे कुछ पानी की बूंदें आपको देखने को मिल रही होंगी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है रात में तो पूरा बालकोनी में पानी भर गया था तो यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगाएंगे तब तक झाड़ू नहीं लगा सकते क्योंकि पूरा फर्श पे पानी जमा हो गया है तो देखिए यहाँ मैं पोछा सब पूरा पानी को सुखा रही हूँ उस पानी पहले एक बार झाड़ू दिए पर उससे पानी नहीं सूखा तो फिर अब पोछा लगा के पानी को सुखा रहे हैं तो देखें आप पोछा लगा देंगे और उसके बाद फैन को ऑन कर देंगे तो शायद से पानी जल्दी सूख जाएगा तो हमारे झारखंड में तो अभी ठंड बहुत ही ज्यादा है आप लोग बताइएगा दोस्तों आप लोग कहाँ से हैं और आप लोगों के उधर ठंड का मौसम कैसा है तो यहाँ हम पोछा चारों तरफ अच्छे से लगा के और उसके बाद फैन को ऑन कर देंगे यहाँ देखिए हम फैन का स्विच ऑन कर दिए और उसके बाद बालकनी का दरवाजा लगा दिए ताकि हवा इधर नहीं आ पाए उसके बाद यहाँ पे जब जो हम बीन्स का सब्ज़ी चढ़ाए थे उसको चढ़ा लेंगे और एक तरफ में दलिया भी चढ़ा दिए हैं तो दलिया नाश्ता के लिए हम चढ़ा दिए हैं यहाँ पे और तब तक जब तक उधर पोछा लगा रहे थे तब तक इधर बीन्स का सब्जी कम आँच में करके गए थे तो यहाँ पर बीन्स का सब्जी भुन रहे हैं उसको चला लेंगे और एक बार उसे फिर से कमाच पे ढक के छोड़ देंगे तब तक इधर नाश्ता कर लेंगे जब नाश्ता करने आए तब देख रहे हैं इधर बाबू भी उठ गया है तो यहाँ पे बाबू के पास बैठ के नाश्ता कर रहे हैं देखिए यहाँ पे मेरा बाबू उठ गया है खेल रहा है बाबू चूटी चूटी बाबू उठ गया मेरा बेट चूल्हे उठ गया है देखिए इसको हम प्यार कर रहे थे ऐसे और फिर ये भी कैमरा की तरफ अब देखने सीख गया है कैमरा को देखता है जब भी मैं इसके तरफ फ़ोन करती हूँ तो ये फ़ोन को देखने लग जाता है और अपना रिएक्शन देता है यहाँ से देखिए यहाँ सैडो भी देख रहा है हम खा रहे हैं और वो वो भी यहाँ पे अंदर आ गया है मतलब उसको भी खाना चाहिए हम जो खाएँगे उसको भी चाहिए खाने के लिए तो देखिए हम उसको बाहर भेज रहे हैं कि जाओ तुम यहाँ से अभी अभी हम फिर यहाँ पे देखिए बाबू के पास थोड़ा उठ गया था तो इसका टाइम इसके पास टाइम स्पेंड कर रहे थे और फिर इसका मालिश कर दिया अच्छे से ये तब ये खेलने लगेगा मालिश करने के बाद बच्चे सो जाते हैं इसे मालिश करने के बाद दूध पिला देती हूँ उसके बाद ये सो जाता है अभी ये उठा है तो इसका इसको थोड़ा सा प्यार कर दे रही हूँ प्यार करने के बाद यहाँ देखिए फिर हम सब्जी बना खाने के लिए दोपहर के खाने का सब्जी बनाने के लिए आ गए हैं यहाँ देखिए दोपहर के सब्जी में आज सीम का भुजिया बनेगा तो यहाँ देखिए सीम के भुजिए में मैं लहसुन और सरसों पीस कर देती हूँ आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ मैं लहसुन और सरसों लहसुन को छील कर उसके बाद सरसों को दोनों को मिक्स करके पीस रही हूँ हमारे इधर अभी बहुत ही ज़्यादा सीम हो रहा है तो मार्केट में ज़्यादातर सीम ही उतर रहा है तो ये लोग सीम ही ले आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको सीम बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा तो ये हमें मसाला बन के तैयार हो गया है और फिर थोड़ा उसमें पानी डाल के मसाले को भून लें मसाले को पीस लेंगे और हम मसाला डाल के भूनते बहुत लोग ऐसे भी भूनते हैं और बहुत लोग तो उसकी सब्जी भी बनाते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा भुजिया पसंद है तो हम भुजिया ही बनाएंगे और भुजिया में मसाला डाल कर हमको पसंद है बहुत लोग बिना मसाले के भी सब भुजिया बनाते हैं पर मुझे सरसों और लहसुन देकर ज़्यादा टेस्टी लगता है तो यहाँ देखिए गैस ऑन करके उसके बाद यहाँ हम भुजिया चढ़ा देंगे तेल डाल के उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए दो दो स्वेटर पहनना पड़ रहा है और यहाँ हम चिमनी यहाँ हम चिमनी भी ऑन कर लिए और उसके बाद इधर देखिए प्रेशर कुकर सीटी मार रहा है उसमें दाल चढ़ा हुआ है और इधर सीम भी भूंज रहे हैं दोस्तों साथ साथ किचन भी समेट रहे हैं कुछ भी बनाओ तो किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि मतलब बार बार समेटना पड़ जाता है देखिए यहाँ पे किचन समेट रहे हैं दोस्तों और फिर भुजिया भी डाल रहे हैं इसमें दोनों काम साथ, -साथ यहाँ पे काम हो रहा है दोस्तों और आज की ठंड मतलब आज इतना ज़्यादा ठंड किया है ना कि क्या ही बोलें हैं हम लोगों को लगा कि इस साल ठंड नहीं होगा पर देखिए ऐसा मौसम पाँच दिन से धूप नहीं निकला है देखिए पूरा मौसम कैसा है रात को बारिश हुई और अभी का मौसम देखिए धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है धूप निकले तो ही अच्छा लगे तब तक उधर मैं आप लोगों को मौसम दिखाया उसके बाद मैंने इधर रूम समेटना चालू कर दिया मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए तो उसके बाद मैं सोची रूम को अच्छे से समेट लूँ तो यहाँ देखिए मैं रूम को समेट रही हूँ पूरा बेड बिखर गया है इधर उधर सारा सामान फैला हुआ है छोटे बच्चे घर में रहे तो पूरा घर ही फैल जाता है तो इसलिए यहाँ पे और मेरा बच्चा लेट से उठता है इसलिए मैं लेट से सारा काम शुरू करती हूँ अभी दिन के बज रहे हैं बारह तो बारह बजे मैं बेड सरिया आ रही हूँ क्योंकि वो सोकर लेट उठा है मैं लेट से सरिया आ रही हूँ जितनी देर में मैं रूम से समेट रही थी उधर खाना बन के रेडी हो गया तो उसके बाद रूम सरी आने के बाद हम लोग बैठ के खाना खाएंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए रूम मेरा समेट आएगा उसके बाद देखिए हम लोग खाना आज मेरे घर में बना है दाल चावल सीम की सब्जी आलू का चोखा बीन्स का भुजिया और चटनी तो बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ मैं खा रही हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में धन्यवाद बाय बाय दोस्तों मिलते हैं कल